अरे यार संडे हो गया आज, फिर उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। मैसेज करता हूँ। वेट करो। A few moments later. यार क्या भूख लगी है यार, 10 बजे इसने मैसेज कर दिया। अभी तो ब्रेकफास्ट तक नहीं किया हम लोगों ने। चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तू खिला रहा है? मेरे पास एक आइडिया, ब्रेकफास्ट पे वीडियो बना लेते हैं। ये भी सही है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। 50 रुपए मेरे पास भी 50 रुपए हैं यार। ओके, तो आज हम आपको करवाएंगे ब्रेकफास्ट ₹50। साइड तो कर लिया हमने ब्रेकफास्ट ₹50। जगह पता है ना कहाँ कहाँ? हाँ चलो है ना, चलो चलो चलो। हाँ मास्क का मैं तो अपना ले आया। जैसे हमने मास्क नहीं डाला था, लेकिन इस बार हम मास्क जरूर डालेंगे। तो आप भी जहाँ भी जा रहे हैं मास्क पहन के चाहिए, पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए मास्क पहने जरूर। ओके, तो पिछली बार जैसे हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, तो फॉर द स्ट्रिक्ट रूल गाइडलाइंस सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए कोई भी इस बार ट्रिपलिंग नहीं कर रहा है। और शिवम तू आज घर पे रहे, हम तेरे लिए ले आएंगे। हाँ पूरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कोई नहीं होता होता, कोई ना ब्लड नहीं है। ओके तो चलो चलिए, लेट्स गो फॉर द राइड। ओके गाइस, तो मैंने पिछली बार जैसे मास्क नहीं डाला था, इस बार मैंने मास्क डाल लिया है। और आप भी अगर कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क। अबे तुम लोग यहीं पे हो यार, जी कहाँ जा रहे हैं हम? सबसे पहले जा रहे हैं सबसे पहले कुलचा लेना है। हाँ डीलक्स के नान लेना है, ठीक है। सो ओके, हम कहाँ गए अब? डीलक्स के नान खाने आ गए हैं। ये आपको शिमला पहाड़ी में है, डीलक्स बेकरी के एकदम सामने। ये रही हम जा रहे हैं भाई पूरियां वाले के। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा भयंकर और खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हैवी ड्राइवर ही ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ओम। माज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और ये पहुँच चुके हैं हम भाई पूरियां वाले के। चलो अब नान तो ले लिए, अब कहाँ जाना है? हम लेने जा रहे हैं परांठे। ओहो परांठे अचार दही, मजा आ जाएगा आज तो। लास्ट वीडियो में हमने जग्गू के नाम को प्रमोट किया, देखिए उस पर रश ही रश है। दीदी कहाँ आए आज हम? कहाँ गए हम? हम आ चुके हैं स्पेशल खाने। ये थोड़ा सा फायर ब्रिगेड के आगे आइए आप, उधर आपको ये बोर्ड रेडी दिखेगी। इधर आपको आलू पनीर मेथी गोभी मूली रोटी है, बहुत कुछ मिलेगा। तू मेन्यू कार्ड, ठीक है? हाँ बस 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 ठीक है, इतनी प्रमोशन नहीं। ये रहा परांठा, हमने मंगाया पनीर परांठा 40 रुपये का। और तो अब हम जा रहे हैं शिवम मशहूर कचौरी वाले के, जिसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है कचौरी, और SD स्कूल के ठीक पास से मिलती है। ये बिल्कुल हमारे SD स्कूल के ठीक नज़दीक, वो सामने देख सकते हैं आप, घर हो गया है। ये रही, ये है वो फेमस शॉप जहाँ से हम लेंगे कचौरी प्लेट। ये चल रही है रेनोवेशन, तो अब हम जा रहे हैं उनकी रेडी पे। कैसा लग रहा है हम धूप में घूम के? अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली। चलिए तो गाइस, हमने कचौरियाँ पैक करवा लिया है, घर जाकर आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो दीदी अब वापस घर जा रहे हैं ना, परांठे ले लिए, नान ले लिए, सब ले लिया, अब जाते हैं घर, मत खाते पीते हैं और फिर वीडियो का सोचते हैं, अगली वीडियो का बनाएंगे, ठीक है? वो तो सोचा ही नहीं, इसके लिए बुलाया।
few moments later. Okay guys, तो आज हमारा सारा सामान आ चुका है. शिवम सिर्फ गिलास लेने गया है. तो अब हम धीरे धीरे खोलेंगे सामान. तो ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कचौरी. कितने की आई थी होंगी? 40 rupees डबल कचौरी. ओके, तो हम ये डाल रहे हैं. ये आएगा उसमें. तो अपने फोन से यहाँ से बनाता रहे. कचौड़ी चूर चूर कर दिए. चूर चूर कचौड़ी इसको बोलते हैं. ऐसे नहीं, ऐसे बना. स्नैपचैट बंद करो. ओके गाइस, पीस एक लिफाफा पकड़ लो. ये है दाल. तो ये आप जैसे देख सकते हैं, हमने कचौरी इसमें तोड़ लिया और ये हमारी है दाल जो कि इसमें जाएगी. प्लेट सिर्फ है 40 की. आप क्वांटिटी चेक करें. 40 rupees में आपको इतनी बड़ी कचौरी मिलेगी कि आप सारी उम्र खा सकते हैं. ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड अनबॉक्सिंग हो रही है. ये है पाई के पूरी और चने आलू. इतनी क्वांटिटी मिलेगी आपको. 50 rupees की प्लेट है. हमारी ये कॉली थोड़ी बड़ी है इसलिए आपको थोड़ा कम लग रहा है. तो ये है. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो ये है राजपूत के चने. बहुत ही स्वाद होते हैं ये गाइस. ये अभी लेकर आए हैं. हालांकि इसमें भी हमने बाउल बड़ा यूज़ किया है लेकिन कोई नहीं. दही रहने दो यार. और ना कल को क्या हो रहा हो. तो ये है हमारी राजपूत के चने. ओके, तो ये है क्वांटिटी गाइस. सारी चटनी और प्याज वगैरह इसमें डाल दिए गए हैं. और ये है साइज उनकी. उनके नहीं, उनके भटूरे. उनके भटूरे, उनके उनकी भटूरे की. अरे यार, उनके भटूरे. ओ माय, गैस हो जाएगी. शिवम बेचारा. हाय हाय, किसी ने नहीं देते तेरे को कोई काम. हम लेमोनेड गलवा था. एंड वाओ मैन, ज़ूम करना है ऐसे. ये पिचका सवार है, सवार है, सवार है. शिवम तू परांठा ओपन कर दे. ये हम कहां से लेकर आए रे दी? ये हम न्यू डिलेक्स. एक बोलेगा तू रीदी है. ओके, ठीक है. तू भीड़ की दांत. अबे ये देखो क्या चीज है. नान है, ये तो नान है. पहली बार पूरी जिंदगी जग्गू के खाते रहोगे. हां, वो जग्गू को जलील क्यों कर रहा है? 50 के दो देता है. अभी दो कदम आगे भी बढ़ो. डिलक्स तक पहुंचो. अगली प्लेट, अगली प्लेट. चार इसमें देख लिया. बच्चा एक्चुअली वहां से दो ही दिन आता है. कहां से लेकर आए हैं? यही लेके आए हैं. ये राज के स्पेशल पराठा. ये है पनीर वाला पराठा. कितने का एक है? इधर देखो. 40 rupees. 40 Yes. ये 40 का एक पराठा. तो आई गेस यहाँ पर तो आपका पेट नहीं भरेगा सर. तो बाकियों की जगह पर आप जरूर जाइए. ये रबड़ का क्या कर रहे हैं? नहीं को लेके तोड़ दिया. इट्स छोले डाले. कहीं कोई नहीं चलेगा. बोलते हैं बोलेंगे. अबे ना, ये चटनी मैं भी ये करता हूं. इसको अभी ये आएंगे. सुबह तो फोन से चाहिए. मैं क्या आईफोन आईफोन पांच ग्लास अंदर. दो नान चने और चार मूल बटर. आई थिंक ये बेस्ट है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. आपका पेट पूरा भर जाएगा. इसकी एक नान की प्लेट है. इसलिए जरा सबर करो. ये पूजा का सामान है. क्या ये भी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. ओके, तो अब हम खाने जा रहे हैं ये पनीर पराठा. पराठा देखते हैं कैसा. पहले ले लो फीलिंग. फीलिंग क्या उसकी फाड़ दें इसको. अरे भाई की हम 40 रुपए के पनीर पराठे में पनीर है ना. देखिए ना कैसे यहाँ से पनीर तो हो रहा है. पनीर कैसा लगा? ठीक ठाक ही है ना. फ्लेवर नहीं आता. हट्टा आ रहा है मुंह में. 40 रुपए आप खर्च रहे हो ना.
दही के साथ भी दही का टेस्ट आना था, मतलब 40 रुपए की क्वांटिटी सही नहीं है उधर ना, सब पनीर का बंदा पनीर को अगर वो कर दे तो थोड़ा मसाले, इससे अच्छा आप 40 रुपए का सेपरेट पनीर लेकर खा लें, बहुत ज्यादा प्रोटीन देगा आपकी बॉडी। पहली बार लिया ना 25 बड़े दिल वाला। ओके तो आप क्या खा रहे हैं? हम कचौड़ी, एक एक चम्मच डालो अपना। ओके गाइस तो शुरू करते हैं कचौरी, काफी ज्यादा मात्रा में आई है तो मैं तो कहूंगा अगर आपने कुछ भी नहीं ट्राई करना तो कचौरी तो जरूरी करो। ओके चटनी वगैरह प्याज पूरी है लेट कर दी स्वाद है जो बड़ी सारी दुकान है ये पिघला होगा ध्यान से चने बहुत लजीज लग रहे हैं, मुंह बाल मारे पीछे। ओके गाइस सो इट्स टाइम फॉर द नाउ डीलक्स के नान चने और चटनी, खाके देखते हैं कैसा लगा। इट्स यम। तो नंबरिंग दे रहे हैं, जो हमने पनीर खाया वो 5 में से 3, मेरे भी 3, कचौरी 5 में से 4, 4.5, 4.5, 4, 4, 4 ही ज्यादा जा रहे हैं, मेजोरिटी विल गो। और अगर हम बात करें तो ये दो लाइक अगर 6 आई कैन गिव 5 में से 6 थोड़ा तो ये सकता है कि तेरा दिमाग सेट है। क्या हो गया एक्स में से कौन सी पेंसिल होती है वो एक्स्ट्रा मार्क फॉर द गुड हेड राइट सर सर नहीं खा रहे हैं। लेकिन वैसे अगर जेनुअली आप उनकी रेडी पर जाकर खाएं गर्मा गर्म तो फिर आप 5 में से 5 देंगे इनको, जेनुअली बहुत स्वाद होंगे, लेकिन आप क्योंकि ठंडे हो चुके हैं गरीब क्या कर सकते हैं। Thank you.
क्या फायदा पढ़ाने का मेरे अगर मैं रिकमेंड करूंगी भाई इन सब में से पांच चीजों में से नान सबसे ऊपर सेकंड है भटूरे नहीं सेकंड भटूरे मेरे लिए भटूरे है सेकंड तो मैं अगर कोई दो रिकमेंड करने हो किसी को नान भटूरे नान कचौड़ी मतलब आप देख रहे हो नान टॉप पे चल रहा है Okay, so ये थी हमारी ब्रेकफास्ट वीडियो थिंग्स टू ईट अंडर रुपीज 50 तो हमने ये पांच चीज़ें ट्राई की हैं जिसमें से हम सभी ने अपनी अपनी बेस्ट दो बताई जिसमें ज़्यादातर टेबल टॉप पे रहा नान देन भटूरे एंड देन कचौरी साथ में हमने ड्रिंक के तौर पर यूज़ किया था जीरा लेमन ताकि जो हम खा रहे हैं नीचे होता जाए और गंदे हैं इनके दिमाग इसलिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए और ये उस शार्ट पर फुल लाइक कवर नहीं है